हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम आज मखाने का रायता बनाने चल रहे हैं। तो ये हम एक कटोरी मखाना लिए हैं और इसमें एक कटोरी हम दही रख लिए हैं। ये हमारा भुजा हुआ जीरा है और ये छोटी राई है। ये हमारा काला नमक है आधा चम्मच। छोटा चम्मच से मिर्चा लिए हैं, पाउडर है। ये हमारा मखाने को फ्राई करने चल रहे हैं। दो चम्मच हमने ऑयल डाला है इसमें। मखाना हमारा हो गया है। ये ज़्यादा हमको फ्राई नहीं करना है, सिर्फ ये टाइट हो जाए बस। अब इसको हमको निकाल रहे हैं। धीमी आंच में भूनना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा वो हो जाएगा, खर जल जाएगा। बहुत ये हम दही को इस तरह मिला रहे हैं, इसको फेंट रहे हैं। ये मखाने को हम चाकू से काट ले रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि दही अंदर तक इसमें मिल जाए, तो हम इस तरह से चाकू से काट ले रहे हैं इसको। ये मखाने को हम चाकू से काट लिए हैं, छोटा छोटा पीस कर लिए हैं। अब इसमें हम मिलाते हैं। थोड़ा दही ज़्यादा लगता है, मखाना दही सोखता है, तो दही ज़्यादा है उस हिसाब से। इसमें हम मिलाएंगे भुजा हुआ जीरा पाउडर और राई जो पीसे हुए थे। ये हमारा काला नमक है, मिर्चा पाउडर। ये बहुत थोड़ा सा हम इसमें चीनी मिला रहे हैं। इसको हम मिला दे रहे हैं सभी चीज़ को। ये हम इसमें बहुत थोड़ा आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक खाने वाला मिला रहे हैं, जो सब्ज़ी में यूज करते हैं। ये हमारा रायता बन के रेडी हो गया है, इसको हम प्लेट में निकाल दे रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये मेरा मखाने का रायता बन के रेडी हो गया है। आप लोग को अगर मेरा तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।